ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, उसकी पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो मलमास है कि यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आप यह पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो जहां पर आपने इस पूजन को करना है, उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, गंगा जल छिड़क लें, हो सके तो रंगोली बना ले। अगर रंगोली नहीं आती है तो आप स्वास्तिक का चिन्ह बना करके हल्दी कुमकुम अक्षत रख करके उसके ऊपर चौकी विराजमान कर लें, चौकी रख लें चौकी के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। और दोस्तों, मैंने यहाँ तिली का आसन देते हुए भगवान विष्णु की फोटो प्रतिमा रख ली है और गणेश जी को भी स्थापित कर लिया है। मैंने यहाँ की है दीप कलश की स्थापना। उसके बाद हाथ में अक्षत और यानी अक्षत यानी सफ़ेद तिल हाथ में लेकर के पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करके वरुण कलश के पास छोड़ देंगे। दोस्तों, अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो हम यहाँ दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं और उसके बाद जल से शुद्धिकरण पवित्रीकरण कर लेंगे। आप चाहें तो बिना कलश की स्थापना किए हुए भी इस पूजन को कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक मास जिसे मलमास कहते हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। तो इस प्रकार से चंदन से मैं यहाँ पर पत्तों पर तिलक लगा दूंगी। और दोस्तों, पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। साथ में यहाँ तिली के तेल का मैं यहाँ दीपक जला रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है, पूजा शुरू करने से पहले मैंने दीपक जला लिया है। उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले गणेश जी का पूजन। तो चंदन से और कुमकुम से तिलक लगा देंगे। दोस्तों, प्रत्येक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो गणेश जी को दुर्वा पुष्प अर्पित कर देंगे, साथ में जनेऊ अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे भगवान विष्णु जी का पूजन। दोस्तों, आज के दिन माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करने का विधान है। अगर माता लक्ष्मी जी नहीं है तो उनका मन ही मन ध्यान कर लीजिए और इस प्रकार से फोटो में जितने भी विराजमान सभी लोगों को हम चंदन से तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम जो भी भगवान विष्णु के अस्त्र हैं सभी पर हम चंदन से तिलक कर देंगे और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहेंगे मंत्र का। और उसके बाद चंदन से यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे कलश के ऊपर। आप चाहें तो कुमकुम या रोली से भी बना सकते हैं। माता का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस प्रकार से हम पूजन को संपूर्ण करेंगे। और दोस्तों, मलमास यानी अधिक मास जिस भी मास के साथ आता है उसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। 3 साल में एक बार अधिक मास आता है और मलमास चल रहा है। तो इस प्रकार से हम वरुण देव का, वरुण कलश का हम चंदन से हल्दी कुमकुम से तिलक लगा देंगे और इसका भी विधिवत पूजन करेंगे, क्योंकि हम इस वरुण कलश में सभी देवी देवताएं विराजमान है विद्यमान होते हैं। और उसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे इस प्रकार से और साथ में भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित कर देंगे। मैंने पीले फूल की माला अर्पित की है, आप चाहें तो पीले फूल भी, खुले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको पीले फूल मिल जाए वो आप अर्पित कर सकते हैं।
वरुण देव को भी इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ देव पूजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ दीप कलश की स्थापना की है। तीली का आसन देते हुए प्लेट में मैंने एक दीपक और प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि आप चाहे तो अलग से दीपक ना भी जलाएं कोई बात नहीं, क्योंकि हमने दीप कलश की स्थापना की हुई है, दीपक हमारा जल रहा है पहले से ही, तो अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप इस प्रकार से दीपक जला करके अलग से प्लेट में तिलक कर ले 5-7 बार, उसके बाद तिलक करने के बाद दीपक का भी पूजन विधिवत कर लेंगे। और मलमास चल रहा है, इस व्रत को करने से यश कीर्ति धन वैभव की प्राप्ति होती है। धूप दिखा देंगे, सभी को धूप दीप दिखा देंगे, और जो इस व्रत को करता है उसे वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जो लोग पुत्र कामना के लिए कमला एकादशी का व्रत करते हैं उनको पुत्र रतन की भी प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। तो इस प्रकार से हम भगवान विष्णु को धूप दीप दिखा के और साथ में सामने ही रख देंगे, और उसके बाद हम सभी को तिली अर्पित कर देंगे, क्योंकि हम जब हम किसी को तिलक अर्पित करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो अक्षत अर्पित करते हैं, तो एकादशी में चावलों का निषेध होता है, तो इस प्रकार से हम तिली यानी तिली का अक्षत अर्पित करेंगे। आप यहाँ पर काले तिल भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन में काले चावल हैं, जो चावल चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह से इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, वरुण कलश को भी अर्पित कर देंगे, साथ में भगवान विष्णु को भी अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। सभी एकादशी व्रतों के समान ही पद्मनी एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन यह एकादशी हर 3 साल पर आता है, तभी आता है जब अधिक मास लगता है। उसके बाद भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित कर देंगे, अबीर यानी गुलाल लगा देंगे दोस्तों। और दोस्तों, जब आप इस पूजन को करें तो पीले वस्त्र धारण करके उसके बाद ही इस पूजन को शुरू करें। दोस्तों, एकादशी की जो तिथि है 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। सूर्य अस्त के बाद ना कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। भगवान गणेश भगवान को यहाँ पर मैं केले का भोग लगा रही हूँ। इनका भोग मैंने अलग से निकाल दिया है, क्योंकि इनके भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें, तभी भगवान भोग हमारा स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें करना है, और जल का भोग लगा देंगे तुलसी पत्र डाल करके। दोस्तों, आप ये सुबह नित्य कर नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद आप नॉर्मल सी पूजा कर लें, साधारण सी पूजा कर लें, उसके बाद शाम को इसी प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ इस पूजन को किया जाता है। गोधूली वेला में तो चौकी लगा करके की जाती है, हाथ में अक्षत यानी तिली और पुष्प लेकर के एकादशी पद्मनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। और उसके बाद जो अक्षत पुष्प लिए हैं भगवान के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। तो दोस्तों, पूजा के दौरान आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं यहीं पर बैठ करके, जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद करेंगे हम कपूर से आरती। दोस्तों, वैसे साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, और जब अधिक मास लग जाता है तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। सभी एकादशियाँ भगवान विष्णु को समर्पित होता है, मलमास का महीना भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। दोस्तों, इस जो ये व्रत है ये थोड़ा कठिन नहीं होता है, और जो परमा एकादशी होती है वो कठिन होती है, तो उसकी वीडियो मैं अलग में बताऊंगी, उसके नियम क्या है वो सभी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उसके बाद हम करेंगे दीपक को ठंडा, जिससे हमने आरती करी है। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी है, आरती करनी है, दीपक को ठंडा करना है, दक्षिणा जरूर से निकाल लें, क्योंकि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो जाती है, कमी बेसी हो जाती है, वो उससे पूरी हो जाती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तो हमें दान दक्षिणा देने के बाद, पूजा करने के बाद हम अपना व्रत का पारण करते हैं। उसके बाद तीन बार मिनस लें यानी आचमनी कर लें, क्योंकि आचमनी करने से हमारा जो भोग प्रसाद है, धूप दीप है, भगवान विष्णु सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रहे भूल चूक गलती क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप पद्मनी एकादशी यानी कमला एकादशी पर इसी विधि से पूजन करें। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय।